जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आज का विषय है कि आर्टिकल 19 में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, जो राइट है, एक तरह हम हिस्टोरिकली देखें तो पूरी देश में आदिवासी इलाकों में कभी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था ही नहीं, और एक तरफ से सरकार ने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि इन इलाकों में लोगों को आने नहीं देंगे। जो जैसे नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट थी कि कोई भी आके सेटल नहीं कर सकता, कोई भी आके ज़मीन खरीद नहीं सकता। झारखंड में CNTA और SPTA इसीलिए है कि वहाँ की जो आदिवासी संस्कृति बने रखे, वहाँ का जो ज़मीन है वो लोगों की कंट्रोल में रहे। पर जब हम देखें कि एक्चुअली ये पिछले 200 साल से ये कैसे काम कर आ रहे हैं, ये जो सारे लॉज हैं, ट्रेडर्स के लिए कभी रोक नहीं था, RSS वाले के लिए कभी रोक नहीं था, मिशनरीज के लिए कभी रोक नहीं था, तो बाकी जो रिसर्च करने वाले थे उनके लिए हमेशा रोक रहा है। जब भी पिछले मतलब 30 साल से मैं देख रही हूँ कि जब भी लोग आदिवासी इलाके पे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, जब भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं इन इलाके पर, तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है, उनको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई भी आके आदिवासी इलाके पर कुछ भी जानकारी इकट्ठा करे। अबूझवाड़ की बात कर देखें, जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है जिसमें ऑफिशियली पिछले 50-60 साल से कोई सर्वे नहीं हुआ है, उसमें बाकी कोई भी नहीं जा सकता है, पर रामकृष्ण मिशन का स्कूल है, RSS के लोग जाते हैं और ट्रेडर्स जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि रोक किसके लिए है और छूट किसके लिए है। जैसे रोहित कह रहे थे कि RSS के लोग या जो पार्लियामेंट में हैं, जो विधानसभा में हैं, वो ज़मीन पर नहीं हैं, पर ये भी है कि जो पिछले कितने सालों से RSS के लोग अपना जगह जमा रहे हैं ज़मीन पर, स्कूल्स चला रहे हैं, एकल विद्यालय चला रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम भी इन इलाके में अपना जगह जमाएं, चाहे वो आदिवासी संगठन हो या बाकी बाहर से लोग जाए, पर ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट नॉट टू अबैंडन एनी ऑफ द स्पेसेस दैट वी हैव, टू मेक श्योर दैट किसी न किसी तरह हम वहाँ रहे। जस्ट छत्तीसगढ़ की बात काफ़ी लोग ने कही है, मैं एक दो चीज़ इससे जुड़ना चाहती हूँ। एक तो अभी हाल में 7 लोग हैं जो तेलंगाना से आए हुए फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे December 2016 में, और उनको अरेस्ट किया गया था। उनमें से कुछ आदिवासी लीडर्स हैं, कुछ दलित लीडर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट है, जर्नलिस्ट है, और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो आंध्रा से मतलब वो पुराने नोट ला रहे थे और माओइस्टों को, मतलब कौन पागल आंध्रा तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में पुराने नोट लाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप 2011 का सेंसस देखें तो पूरे इलाके में, मतलब पूरे सुकमा डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक है, पूरे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक है। तो या तो वो सरकार सोचती है कि ये लोग डिरेंज्ड है कि वो मतलब आके छत्तीसगढ़ में पुराने नोट्स एक्सचेंज करेंगे, या उनका तो ये कहना था कि ये माओइस्ट के पुराने नोट्स एक्सचेंज करेंगे, पर एक्चुअली तो उनको आंध्रा में ही अरेस्ट, तेलंगाना में ही अरेस्ट करके उनको छत्तीसगढ़ में लाया गया और दिखाया गया कि वो माओइस्टों के साथ संबंध रख रहे थे। तो उनको अभी हाल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेल डिनाई किया है, और ये मुद्दा उठना चाहिए, ये बड़ी मुद्दे होनी चाहिए कि कहीं भी कोई लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। जैसे अब बात हुई थी कि सिर्फ कि वकीलों पर हमला हो रहा है, जर्नलिस्टों पर हमला हो रहा है, छत्तीसगढ़ और अन्य इलाकों में पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी हमला हो रहा है। अगर हम CPI की सिचुएशन देखें, पिछले कई सालों से CPI एक अकेला पार्टी था जो वहाँ छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम के खिलाफ, वहाँ जो टाटा की जो कंपनी लग रही थी वो सब उनके खिलाफ, मतलब माओइस्टों को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज में से CPI एक अकेली पार्टी थी जो लड़ रही थी।
अब सीपीआई के लोग गांव-गांव में मीटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि ये माओइस्टों का असेंबली है, उनको जब रैली करना पड़ता है तो उनको हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर अटैक होते हैं, उनके जो सरपंच होते हैं जैसे चिंता गुफा के सरपंच एक महिला सरपंच है पोड़िया मुए, जब भी वो कुछ काम करना चाहती है तो फिर उसको बोला, उसके घर पर लगातार रेड होते हैं, उसके हस्बैंड अभी अंडरग्राउंड चले गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ कई फॉल्स केसेस हैं। तो लगातार जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर भी हमला हो रहा है, और चाहे सीपीआई की बात छोड़िए वहाँ कांग्रेस को भी रैलीज के लिए अटैक किया गया है, उनको परमिशन नहीं दी गई। जो और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, आज तो ये पूरी देश में फैल गई है। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मैं बस एक दो तीन मुद्दे उठाना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी की। जब हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्क, तो आजकल मेरे लिए ये दो मुद्दे बन गए हैं। एक तो रिसर्च करने का कोई फ्रीडम नहीं है क्योंकि एज अ रिसर्चर चाहे स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी हो, बहुत मुश्किल हो गया है कई इलाकों में जाने का, और ख़ासतौर जो सेंसिटिव एरियाज़ में जाते हैं, सेंसिटिव कोट अनकोट, जहां आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिसके लिए मैं चिंता करती हूँ क्योंकि उनकी रिसर्च काफ़ी मुश्किल हो गई है। दूसरी बात है कि हमें जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाने का हक है, रिसर्च करने का हक है, सेमिनार्स होल्ड करने का हक है, वो भी बहुत ही कम होता जा रहा है। जैसे आप सब जानते हैं अभी रामजस यूनिवर्सिटी में जो कल भी बात हुई थी कि अटैक हुआ था, आज पेपर में आया था कि एएमयू के प्रोफेसर के ऊपर हमला हुआ है क्योंकि लोग ने ऑब्जेक्ट किया था कि उन्होंने अपने क्लासेस में एंटी मोदी कुछ बात की थी। अब अगर हम खासतौर समाज सोशोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट है, हम तो लगातार क्रिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, और अगर हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाता है, तो फिर वी माइट एज वेल लॉक अप द यूनिवर्सिटी क्योंकि फ्रीडम ऑफ वर्क है ही नहीं। दूसरी जो बात है कि यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम जो होनी चाहिए, फ्रीडम टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स, आज जो जेएनयू में जो हो रहा है कि उनकी जो डेप्रिवेशन पॉइंट पॉलिसी को ख़त्म किया जा रहा है, एक तरह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है कि द यूनिवर्सिटी शुड हैव अ राइट टू recruit who it wants in the way it wants. It should have the right to have its own admission policies for students. It should have the right to frame its own syllabi. It should have the right to teach what it wants to. But all of these rights are being taken over by the UGC, which is extremely dangerous. Jo jis tarah standardization ho rahi hai puri desh mein, jis tarah hamare institutions khatam ho rahe hai, wo bahut hi khatarnak hai. जो मेन अटैक्स होते हैं वो एक तरह हम देख रहे हैं कि जो लोग के संसाधनों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज जहां है उन इलाकों में अटैक्स हो रहे हैं, पर ये देश का जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है उस पर भी बहुत ख़तरनाक अटैक हो रहा है, और उसकी भी हमको चिंता होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ भी एक स्पेस है जिसको हमें डिफेंड करने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं जस्ट रोहित से अग्री करना चाह रही हूँ कि और उस पॉइंट को दोबारा दोहराने की चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है हम लोग के ऊपर कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पर हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उन पर किस तरह हमला हो रहा है और उसको हम कैसे रेजिस्ट करें। अब मैं 26 साल से मैं पहली बार बस्तर गई थी 1990 में, और तब भी हमें जब मैं रिसर्च कर रही थी, अपना पीएचडी कर रही थी, तो तभी मुझे परमिशन लेना पड़ रहा था कलेक्टर से कि रिसर्च करने का। उस समय भी थोड़ा बहुत मतलब ऑफिशियल सैंक्शंस हुआ करते थे, पर पिछले 10 साल से जिस तरह लगातार
जब से सलवा जुलूम शुरू हुआ, किसी को आने नहीं देना, ना फैक्ट फाइंडिंग टीम, ना रिसर्चर, ना जर्नलिस्ट, ना पत्रकार. और पिछले कई, मतलब ये पिछले 26 साल से मुझे बस्तर में रहने की, घर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे घर थे. मेरे पास कई फैमिलीज थे जो मेरे घर जैसे थे, जो मेरे परिवार जैसे थे, और मैं मतलब बिना पूछे बिना बताए मैं उनके घर में जाती थी, रहती थी. पर अब सबके ऊपर जो हमला हो रहा है, जैसे रोहित ने कहा कि गाड़ी वाले के ऊपर, अगर ठीक है किसी के घर में न रहे क्योंकि आप उनको परेशान नहीं देना चाहते, तो होटल में रहे, होटल में आपको रहने नहीं देंगे. तो इसके खिलाफ हम कुछ सोचना चाहिए कि कैसे लोगों के ऊपर जो हमला हो रहा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है. और मुझे लग रहा है कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के सबसे छोटे स्टूडेंट हो जो अपनी बात रामजस कॉलेज के अटैक के बाद अपनी बात न्यूज़पेपर में कहे या कंप्लेंट करे, या गांव में कोई आदिवासी हो वो अपनी कहानी बताए, या मतलब पूरी देश की जो जनता है, एक तरफ से सभी लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, क्योंकि सभी लोग इस देश को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. तो जिस तरह जो अर्बन एक्टिविस्ट के ऊपर, जिस तरह कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर जो हमला होते हैं, उन पर बहुत सारा न्यूज़ मीडिया कवरेज होता है, मुझे लगता है कि हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि इसको कैसे ब्रॉड बेस किया जाए, थोड़ा जो रियल इश्यूज़ है उनको कैसे उठाया जाए. ये भी बात कहने की ज़रूरत है कि जिस तरह लोग के ऊपर हमला हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ जैसे रोहित ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग अपने आप में जो डर है, अपने हमारे आसपास के लोग में जो डर है, उसके खिलाफ कैसे लड़े. क्योंकि आई थिंक नारेबाजी का मतलब हम सब बोलते हैं कि लड़ेंगे, और पर मैं देखती हूँ कि खासतौर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स डरते हैं, मतलब उनके माँ बाप उनके पीछे पड़ते हैं कि आप डेमोंस्ट्रेशंस में मत जाओ, आप कुछ मत कहो, आप अपना डिग्री ख़त्म करो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना डिग्री ख़त्म करें, वो अपने क्लासेस अटेंड करें. और मुझे नहीं लगता कि आगे जो दौर आने वाला है वो किसी भी तरह, और किसी को भी नहीं लगता है कि ये आसान दौर रहने वाला है. और मुझे लगता है कि इसके लिए कोई हमारे पास आसान जवाब भी नहीं है. तो सोचने की ज़रूरत है, और इससे मैं ख़त्म करती हूँ.